अच्छा मैडम, अच्छा तो ये तुम मतलब मैसेज भेज के लोगों को बेवकूफ बना रही हो, फिर उनका कार्ड कार्ड डिटेल बना रही हूँ लोगों को, डिटेल्स बैंक अकाउंट से पैसा ले रही हूँ। ये जो मैसेज मैडम जो तुमने मैडम ये मैसेज भेज, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बेहतर और कमाल की वीडियो में। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्कैम से आप लोगों को रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ऐसे भी फ्रॉड हो सकता है। दोस्तों किस तरीके से एक महिला, एक लेडीज ने किस तरीके से एक यूट्यूबर भाई से बात की है जो वो फ्रॉड का शिकार नहीं हो पाए, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि आप भी अवेयर रहें, क्योंकि दोस्तों आज इस भारत में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉडों का शिकार लोग हो रहे हैं और लाखों में रुपये नहीं बल्कि कई एक लाख लोग रुपए गंवा चुके हैं। तो किस तरीके से एक न्यू तरीके से एक फ्रॉड का स्कैम जो है चालू किया है, इसलिए मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। और जिस भी भाई ने इस वीडियो को शूट किया है, बनाया है, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगा। फ्रॉडों का शिकार लोग होते जा रहे हैं, तो ये जो नया तरीका है इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये वास्तव में फ्रॉड हो सकता है, तो कैसे करके ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, चलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। हेलो, हाँ जी सर, मैं इंडिया पोस्ट ऑफिस से बात कर रही हूँ। जी मैडम, आप बताइए क्या आप बता रही थी। सर आपका एक पार्सल है वो गलत एड्रेस की वजह से वापस हमारे पास आ चुका है। अच्छा, मतलब गलत एड्रेस मेरा पार्सल, वैसे क्या आने वाला है मैडम मेरा। सर आपका पार्सल है वो तो आपको पता होगा ना, आपने क्या मंगाया था। मैडम मेरा तो पार्सल आने वाला वैसे तो कोई है नहीं, बाकी मेरा पासपोर्ट आने वाला होगा शायद, क्योंकि अभी 10 दिन हो गए हैं तो शायद वो आने वाला हो, और एटीएम कार्ड भी अभी मैंने अप्लाई किया है 4-5 दिन पहले। ओके सर, तो आपका इन दोनों में से कुछ होगा जो आने वाला होगा, चेक कर लीजिए जरा मैडम क्या चीज़ है हमारा, क्या आने वाला है। सर मैं चेक करके बताती हूँ, बट एटलीस्ट आप कॉल उठाया करिए, आप कॉल नहीं पिक कर रहे थे। नहीं कॉल तो अभी मैं एक्चुअली थोड़ा बिजी था ना, तो मैं सोचा अभी आपसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं सर, एक्चुअली अपडेट तो देना चाहिए ना आपको, हम कॉल किए जा रहे हैं, आपको मैसेज कर रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है मैडम, मैं थोड़ा कुछ कर रहा था, तो आप बताइए, आप बताइए जरा चेक करके क्या चीज आने वाला है मेरा। ओके सर, मैं आपको चेक करके बताती हूँ, प्लीज वेट। जी हेलो, हेलो, हाँ जी मैडम। जी सर यहाँ पे आपका पासपोर्ट शो हो रहा है। पासपोर्ट मेरा आने वाला है मतलब। जी आपके सर पासपोर्ट था कुरियर में। हाँ जी कुरियर में पासपोर्ट है। पासपोर्ट जी सर। अच्छा तो वो कैसे मतलब क्या करना है, क्या गलत हो गया है कुछ। सर आपका एड्रेस उसमें गलत है। हाँ तो आप उसको अपडेट करा लीजिए। अच्छा अपडेट कराना पड़ेगा, अपडेट कराएंगे नहीं अपडेट कराएंगे तो सर फिर ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अच्छा जी सर, कैंसिल होने के बाद फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, वापस जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब मैडम आपने 100% चेक कर लिया कि मेरा पासपोर्ट आपके पास मतलब है, आने वाला है। जी सर। अच्छा पासपोर्ट ही था जो डिलीवरी के लिए निकला था, बट उस गलत एड्रेस की वजह से वापस हमारे पास आ चुका है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो या तो आप इसका एड्रेस अपडेट कराइए। हाँ या तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, आपको फिर से वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा पूरा। अच्छा मतलब वापस चला जाएगा पासपोर्ट ऑफिस। जी सर, तो एड्रेस आप एड्रेस मैं बता रहा हूँ मैडम, अपडेट कर दीजिए मेरा सही एड्रेस अपने मतलब। सर एड्रेस आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। क्या मैडम। जी सर एड्रेस आपको खुद अपडेट करना पड़ेगा। एड्रेस खुद अपडेट करना पड़ेगा। जी सर ऑनलाइन अपडेट करना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन कैसे होगा मैडम। सर हमारे तरफ से एक मैसेज आया हुआ होगा आपको। हाँ हाँ मैसेज तो आया है मैडम, एक मैसेज आया है, इसमें लिखा है योर आइटम हैज अराइव्ड, कुछ में डिलीवरी एड्रेस कुछ लिखा है। जी सर। जी तो सर उसी में आपको नीचे लिंक दिया होगा। हाँ हाँ मैडम लिंक तो दिया है, लिंक जी तो सर, वो पोस्ट ऑफिस। हाँ लिंक तो दिया है मैडम। सर उसी में आपको पूरा करेक्ट करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा एड्रेस, मतलब खुद से करना पड़ेगा। जी सर आपको खुद से करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो कैसे मतलब अपडेट होगा मैडम। सर आप लिंक ओपन करेंगे, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। अच्छा लिंक ओपन कर रहे हैं, एक मिनट मैं लिंक ओपन कर रहा हूँ, लिंक मैं ओपन कर रहा हूँ मैडम। हाँ मैडम लिखा है योर ट्रैकिंग, यहाँ पे लिख के आ गया भारतीय डाक, और यहाँ पे योर ट्रैकिंग नंबर भी लिख के आ गया, और योर पैकेज वाज नॉट डिलीवर ड्यू टू अनक्लियर डिलीवरी एड्रेस, और आगे लिखा है योर पैकेज हैज बीन रिटर्न टू फुलफिलमेंट सेंटर, प्लीज अपडेट योर एड्रेस
लिखा है एंड वी सी पर कंटिन्यू का ऑप्शन होगा। हाँ हाँ मैडम कंटिन्यू है, क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करें जी सर। अच्छा मैडम मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, एक मिनट। कंटिन्यू पे मैडम मैंने क्लिक कर दिया, अभी लिख के आ रहा है फुल नेम एड्रेस सिटी मोबाइल नंबर। आप अपने पर्सनल डिटेल्स डाल दीजिए सर। क्या मैडम? आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, आपका नंबर, ईमेल आईडी। नाम, नंबर, ईमेल आईडी मैडम तो इसमें नहीं है। ओके सर, ईमेल आईडी नहीं है आपके में? नहीं मैडम इसमें है। अच्छा अच्छा एक मिनट, अपना नाम डाल दें। अच्छा नाम डाल दे अपना। जी सर। ठीक है मैडम मैं नाम डाल दिया, एड्रेस भी डालना है? जी सर। एड्रेस भी डाल देता हूँ मैडम, एड्रेस भी डाल दिया। सिटी भी डालना है? जी सर। सिटी भी डाल दिया मैडम। टेलीफोन नंबर भी डालना है? जी सर। अच्छा मैडम मैं नंबर डाल देता हूँ, नंबर भी डाल दिया मैडम मैंने। ओके सर, आगे कंटिन्यू करेंगे, आपका नया पेज खुल जाएगा। आगे लिखा है अपडेट इमीडिएटली। जी सर। अच्छा मैडम इस पे क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक आपका... जी मैडम ऑनलाइन पेमेंट लिख के आ गया ये तो। सर क्योंकि पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बार आपको डिलीवरी कराई गई है, बट वो गलत एड्रेस की वजह से वापस हमारे पास आ गया। हाँ तो आपको डिलीवर के लिए आपको 25 रुपया पे करना पड़ेगा। 25 रुपया पे करना पड़ेगा? जी सर। और मैडम ये तो लिखा है कार्ड, कार्ड डालने का, एटीएम कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। जी सर। जी सर, कार्ड होल्डर नेम, आपको अपना नाम डालना पड़ेगा, कार्ड नंबर। हाँ और जी एक्सपायरी और सीवीवी पड़ेगा। तो मैडम ये यूपीआई का ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर दें? नहीं नहीं सर, सॉरी यूपीआई का ऑप्शन नहीं है। अच्छा मैडम अगर ये पेमेंट 25 रुपया मैडम क्यों लगेगा, वो तो फ्री में आता है ना मैडम 25 रुपया? सर एक बार ऑलरेडी डिलीवर हम करा चुके हैं, ये फ्री डिलीवरी है, तो जैसे आपको खुद का पे करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो? सर तो फिर कैंसिल हो जाएगा आपका। और फ्री में नहीं आएगा मैडम? नहीं नहीं सर, ये फ्री में नहीं आ पाएगा। फ्री में मैडम आने का कोई जुगाड़ नहीं है जैसे फ्री में आ जाए? नहीं नहीं सर, आपको मैंने बताया जैसे कि एक बार ऑलरेडी डिलीवर करा चुके हैं, करा दिया गया है। हाँ तो नेक्स्ट आपको खुद पे करना पड़ेगा। अगर नहीं करते इन केस मैडम तो फिर क्या होगा, अगर 25 रुपए फ्री में अगर हमको लाना हो? अगर मैडम हमको फ्री में? हाँ जी पहले मैडम, अगर हम 25 रुपए नहीं पे करते हैं, फ्री में अगर हमको मंगाना हो हमारा पासपोर्ट, क्योंकि फ्री में आता है, तो क्या होगा मतलब? सर फिर हमारा आपका जो पासपोर्ट है हम आगे पासपोर्ट में दे देंगे वापस, उसके बाद आप हम आपको आपका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे यहाँ से कि आपके पास डिलीवर नहीं हो पाया है। हाँ वापिस से आपको फिर वापिस से प्रोसेस करना पड़ेगा, उस प्रोसेस के लिए आपको 1-1.5 महीना लग जाएगा। अच्छा मतलब ये दोबारा चला जाएगा जहाँ से बन के आया है पासपोर्ट? जी सर वापस वही चला जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास आएगा, फिर हम आपको वो डिलीवरी फ्री होगी, बट ये हम फ्री डिलीवर करा रहे हैं इसकी वजह से आपको 25 रुपए पे करना पड़ेगा। अच्छा मतलब अभी चाहिए तो 25 रुपए लगेंगे? जी सर। अच्छा तो फिर इसमें मतलब एटीएम कार्ड का नंबर, कार्ड होल्डर नेम और ये सब डालना पड़ेगा ना मैडम, तभी मतलब मेरा ये पासपोर्ट रिसीव होगा। ये डिलीवरी का खर्चा है? हाँ जी सर, ये डिलीवरी का खर्चा है। कहाँ से बात कर रही मैडम? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली कौन से विभाग से? इंडिया कौन सी पोस्ट? इंडिया पोस्ट से? अच्छा अच्छा मैडम, तो मतलब अगर मैडम मैं इससे पेमेंट करूंगा 25 रुपए का तो 25 रुपए ही कटेंगे? जी सर 25 रुपीज का पे करेंगे तो आपका 25 रुपीज ही कटेगा। मैडम इसमें तो लिखा है कि पूरा मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा, बैंक अकाउंट? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, सिर्फ 25 रुपए का पे आउट करेंगे तो 25 रुपए ही कटेगा। नहीं मैडम यहाँ तो लिखा है कि मेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। सर कहाँ पे लिखा है आपका? हेलो जी सर कहाँ पे लिखा है? लिखा है मैडम यहाँ पे साफ साफ हिंदी में लिखा हुआ है कि अगर इसमें एटीएम कार्ड का नंबर डालेंगे तो पूरा अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाएगा। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप 25 रुपए ही डालेंगे तो 25 रुपए ही आपकी कटेंगे। अच्छा मैडम मतलब मैं बेवकूफ नजर आ रहा हूँ?
सर आप देखो, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ पर ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप किसी को 25 रुपए पे कर लो तो उसके पास 25 ही रुपए जाएगा ना। अच्छा तो मैडम ये बताइए, मतलब मैं बेवकूफ हूँ इसमें अपने एटीएम कार्ड का नंबर डाल दूँ, ठीक है? हाँ, और हाँ। और पूरा मेरा कार्ड डिटेल पहुँच जाए तुम्हारे पास, तुम पूरे अकाउंट से पैसा निकाल लो हमारे, है ना? मैं कहाँ से पैसे निकाल रही हूँ, आप खुद पे कर रहे हैं 25 रुपए। सुनो मैडम सुनो, जाके ना चूना किसी और को लगाना, इधर देखो मैं तुम्हारी पूरी हकीकत बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा मैडम देखो, ये तुम्हारा पहली बात तो जो ये वेबसाइट है ये इंडाई पोस्ट लिखा है, ठीक है, indiapost.com, और जो गवर्नमेंट वेबसाइट होती है ना उसका लिखा होता है indiapost.gov लिखा होता है, ठीक है, गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट होती है। तुम हमें बेवकूफ बना रही हो, मैं बेवकूफ नहीं जा रहा हूँ, indiapost.com से हमको ये पूरा फेक का मैं तुम लोगों ने बना रखा है, इसमें अगर डिटेल डालेंगे तो पूरा अकाउंट खाली कर दोगे 25 रुपए कटने की जगह, है बनाया जाता है ना। अच्छा सुनो मैडम, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मैं यहाँ पे कर रहा था, पूरा एक एक स्टेप मैंने रिकॉर्ड किया है, इंडिया पोस्ट के नाम पर जो बेवकूफ बना रही है, तो तुम्हारा ये जो वेबसाइट है ना मैं ब्लॉक करवा दूंगा, देखना अभी। और मैं साइबर क्राइम में अभी ये देता हूँ, पोस्ट करता हूँ साइबर क्राइम को ट्विटर पे, अभी देखना तुम्हारा ये करना है तुम्हें करो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ये नंबर भी देने वाला हूँ अभी पुलिस में, साइबर क्राइम में दे रही हूँ, समझ जाओ मैं ये धमकी दे रही हूँ तुम्हें कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा मैडम, अच्छा तो ये तुम मतलब मैसेज भेज के लोगों को बेवकूफ बना रही हो, फिर उनका कार्ड डिटेल बना रही हूँ लोगों को, बैंक अकाउंट से पैसा ले रही हूँ। ये जो मैसेज मैडम जो तुमने मैडम ये मैसेज भेजा है ना ये, ठीक है, अब ये मैसेज किसी को मत भेजना, ठीक है, वरना मैं भेजूंगी, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले। अच्छा तो मैडम देख लो, देख लो बात सुनूंगी। ये जो indiapost.com तुमने वेबसाइट बनाया ना, अभी मैं इसको सीज करवाता हूँ, ब्लॉक करवाता हूँ, देखता हूँ साइबर क्राइम में अभी कितनी वेबसाइट ब्लॉक करवाओगे, कितनी वेबसाइट ब्लॉक करवाओगे। अच्छा तो मतलब यही तुम लोग काम करते हो, एटीएम कार्ड का डिटेल लेके लोगों के बैंक अकाउंट से पूरे पैसे निकाल लेते हो। अभी तक और पैसे निकाल रहे हैं, अच्छा 25 रुपए कटने के लिए नहीं कर पाओ बेचारों के, ना तो तुम्हारे अकाउंट हैक कर लेंगे, इतना समझ लेना। मैंने डाला ही नहीं है तो मैडम हैक कैसे कर लोगी, मैंने डाला ही नहीं अभी तक, मैंने अपना नंबर अपने मैंने अपना मोबाइल नंबर जो डाला ना वो भी अभी गलत डाला है इसमें, ठीक है, अभी गलत डाला था, अपना एड्रेस भी गलत डाला था। अभी जिस नंबर से बात हो रही है तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। अच्छा चल तेरे को जो करना है जो कर ले, करना है कर लो मैडम, जो करना है मैं वो कर लूंगी, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुम्हारा रिकॉर्डिंग तो मैं डालूंगा ना यूट्यूब पे, सोशल मैसेज सर्च करना, अब देखिए दोस्तों आपने सुना, ये मैंने जो वीडियो देखा मैंने तभी अपने चैनल पे डालने की कोशिश की और मैंने डाला आप लोगों को अवेयर करने के लिए। देखिए किस किस तरीके से ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता है कि ये जो मैसेज है ये गलत है या सही है। एक नया तरीका इन लोगों ने ये भी रखा है कि किसी इंडिया पोस्ट पेमेंट, अब वो जो भाई हैं हमारे यूट्यूबर भाई जो हैं, इन्होंने ऊपर पढ़ लिया कि उस पर इंडाई लिखा हुआ था, इंडिया पोस्ट नहीं इंडाई, ठीक है, क्योंकि इंडिया पोस्ट पेमेंट जो है इंडिया पोस्ट डाकघर का उस पर नाम लिखा हुआ होता है, लेकिन इसमें ये नहीं था, इसमें मीनिंग ही गलती। तो किस तरीके से ये लोग कुछ ना कुछ करके चूना लगाते हैं लोगों को, इसलिए अवेयर रहिए, ऐसे ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी लोग अवेयर हो सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।